अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा फाउंडेशन है मार्केट में जो 500 रुपीज का है और आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है, तो आप क्या ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे। तो मैं आपको टेस्ट आउट करके दिखाती हूँ, स्वॉचेस भी यहाँ पे कर लेंगे और उसे ब्लेंड करेंगे, उसका टेक्सचर देखेंगे, एवरीथिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कफ्स एंड लैशेस के कवर कैप्सूल्स हाइड्रेटिंग लॉन्ग वेयर फाउंडेशन का, जो क्लेम करता है कि ये मीडियम कवरेज है। तो मैं इसे आज टेस्ट आउट करने वाली हूँ और सारी बातें इसके बारे में हम करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द नेम इज कफ्स एंड लैशेस कवर कैप्सूल्स हाइड्रेटिंग लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, जिसकी प्राइस है 549 और आपको मिलता है 35 ml की क्वांटिटी। इट कम्स इन 17 डिफरेंट शेड्स विच इज़ अमेजिंग। ऑल्सो इसमें 3 ऐसे शेड्स हैं जिसमें आप अपने फाउंडेशन को बैलेंस कर सकते हो, येलो अंडरटोन में कर सकते हो, या फिर अगर आप ब्लू अंडरटोन में हो तो वो कर सकते हो, व्हाइट कलर भी आता है, सो दैट आप इनको अपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो। जनरली ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे फाउंडेशंस होते हैं जो हमें सूट नहीं करते हैं, जिसका कलर हमें मैच नहीं करता है, तो दीज आर लाइक अ मिक्सर जिसको आप मिक्स करके बैलेंस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, एंड ये बहुत परफेक्ट है एंड आई जस्ट लव द आइडिया बिहाइंड इट। सो द आउटर कार्टन लुक्स लाइक दिस, ओम्ब्रे इफेक्ट आता है, इट्स अ कार्टन बॉक्स, एंड द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस। ये एक प्लास्टिक कैप्सूल बॉटल है जिसमें आपको डबल प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे आपका जो फाउंडेशन है वो स्पिल बिल्कुल नहीं होगा, एंड इट्स वेरी वेरी छोटू, तो ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी लाइट वेट, एंड इट कम्स विद अ पंप विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट। एंड बहुत सारे ब्रांड हाई एंड प्राइस में आपको ये पैकेजिंग दे नहीं पाते, एंड आपको इसमें 35 ml की क्वांटिटी मिलती है विच इज़ अमेजिंग। सो मेरे पास जो शेड्स हैं, फर्स्ट सी द स्वॉचेस, 103 आइवरी, 201, 204, 303, 304। मुझे लग रहा है ये दो शेड जो है ये मिक्स करूं तो शायद मेरा एक परफेक्ट मैच बन जाएगा, बिकॉज आई हैव दैट, तो मैं ये करूं। अगर आपके पास ऐसे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दो शेड्स परचेज करो, बिकॉज इस फाउंडेशन में 17 डिफरेंट शेड्स आते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि इसमें बैलेंसर आता है, तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके वो ले लेते हो तो आप अपने फाउंडेशंस को बैलेंस कर सकते हो, अपने अंडरटोन से मैच कर सकते हो। आई एम गोइंग टू मिक्स दिस 2 शेड्स टूडे, हम देखते हैं ये फाउंडेशन कैसा है। इट कम्स विथ पम्प, बहुत सारे हाई एंड ब्रांड के भी आप फाउंडेशन ले लो ना, 2000 के भी, उसमें ये मिसिंग होता है, पता नहीं क्यों, बट आई एम सो इम्प्रेस्ड कि 500 में यू आर गेटिंग दिस। सो आई एम गोइंग टू मिक्स 2 शेड एज आई सेड, 304 एंड 303, एंड ये कुछ इस तरह का बनकर आया है। नाउ वॉट आई फील अबाउट द टेक्स्चर इज, यू कैन टोटली सी इट्स लिक्विड बट सेमी। इसका जो टेक्सचर है, एज द ब्रांड सेड कि ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, आई हैव 2 फाउंडेशन, मामा अर्थ का एंड के ब्यूटी का। मामा अर्थ वाला इज लाइक अ मोर यू नो मॉइस्चराइजिंग यू नो फाउंडेशन, बट के ब्यूटी इज परफेक्ट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, और उसका टेक्सचर और इसका टेक्सचर इज एग्जैक्टली द सेम, वॉट आई फील इज दिस ओनली। और ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, एंड इट्स अ बिट थिक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कवरेज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा। इट्स वेरी स्मूथ इन टेक्सचर, सो लेट्स यू नो अप्लाई इट। आई एम नॉट फॉरगेटिंग माय नेक आल्सो, सो इट्स वेरी वेरी स्मूथ इन टेक्सचर, दैट्स व्हाई ये बहुत इजीली ग्लाइड कर रहा है, बिकॉज इट्स सेमी लिक्विड, सो यू कैन यूज द ब्लेंडर एंड द ब्रश ऑल्सो, बट यू नो द ड्रिल, आई लाइक टू ब्लेंड माई फाउंडेशन फर्स्ट विथ फिंगर्स, सो दैट एक थिन सा जो है ना लेयर फॉर्म हो जाए, एंड यू कैन सी कितना सीमलेस फिनिश इट इज प्रोवाइडिंग। वो अमेजिंग, एंड वॉट यू थिंक अबाउट द शेड मैच? मुझे लग रहा है कि ये शेड मिक्स करना इज द ग्रेट आइडिया फॉर मी।
So I have F13 brush from Cups and Lashes, which is a very good foundation blending brush, and I'm going to use this today. तो ब्लेंड बहुत बहुत सीमलेस हो रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग हैवी एट ऑल. इट्स लाइक माई सेकेंड स्किन बट बेटर. ऑल्सो वन मोर थिंग आई लाइक अबाउट दिस फाउंडेशन, इट्स एक्चुअली वेरी हाइड्रेटिंग. द ब्रांड सेड कि ये मीडियम कवरेज देता है, यू कैन बिल्ड इट टू फुल, बट जस्ट लुक एट द डिफरेंस, अमेजिंग. आई हैव हुडा का फाउंडेशन जो फुल कवरेज देता है, बट आई हैव टू मिक्स इट विथ के ब्यूटी और मामाअर्थ टू यू नो, थोड़ा सा उसका कंसिस्टेंसी बहुत थिक है हुडा का, तो उसको थोड़ा सा रनी या फिर सेमी लिक्विडी बनाने के लिए आई हैव टू मिक्स इट विथ अदर हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन. बट विथ दिस आई एम सो इम्प्रेस्ड. इसका टेक्स्चर एग्जैक्टली परफेक्ट है एंड अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है. आई एम जस्ट लविंग इट. इसकी जो कवरेज है ना, बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ कवरेज है. यू डोंट इवन नीड अलग से कंसीलर, द बेस्ट पार्ट. आई थिंक दिस विल बी माई गो टू फाउंडेशन फ्रॉम नाउ, बिकॉज आई डोंट हैव टू मिक्स विथ अदर फाउंडेशन और मेरा टाइम बहुत सेव होने वाला है. व्हेन आई एम ब्लेंडिंग इट ना, इट फील्स लाइक आई एम यूजिंग अ वेरी हाई एंड डियोर अरमानी काइंड ऑफ फाउंडेशन. But the budget is just 500. It's amazing. Also available in 17 different shades, so आपको आपका शेड डेफिनेटली मिल जाएगा. My God, it is full coverage. See, finger से ही इतना अच्छा blend हो रहा है कि you don't need any tool to blend it out. But still, just to, you know, blend the edges and everything, I'm just tapping the brush all over my skin. Impressed. Cups and Lashes, I am impressed. Oh my God, just look at the coverage. Okay, now let's talk about the finish of this foundation. So what I feel like ki ye bilkul dewy foundation hai. But it is not making my skin oily or cakey or heavy. So if you have dry skin, you don't need to set your face, you know, lightly setting and tapping just little bit of powder will work. But if you have oily skin, you need little bit of you know, setting your face like you do with every foundation, right? ऐसा कोई point नहीं है जहाँ पे ये cakey हो गया है, blend नहीं हुआ है. I am totally impressed and just look at the coverage. I have just used one pump to my whole face. Okay, so let me finish my whole makeup. I'm using Cups and Lashes Perfect Finish Light Medium Shade to set my face. I'm just using the fluffiest brush और eyes के पास थोड़ा सा set कर रही हूँ. ओके गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाई दिस टाइम, क्योंकि जिस तरीके से ये मेरे स्किन पे ग्लो एड कर रहा है, आई हैव ऑयली स्किन एंड मैं कोई भी फाउंडेशन जो स्लाइट डुई भी होता है उसको लगाती हूँ तो मेरा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है और क्रैक होने लग जाता है. बट दिस फाउंडेशन इज अमेजिंग एंड आई एम लविंग इट. आई एम लविंग माई बेस. मैंने इस फाउंडेशन को टेस्ट आउट किया था 1 जनवरी, हम बीच पे गए हुए थे मजोडा पे, और बहुत ही गोवा का जो क्लाइमेट है इट्स ह्यूमिड. ओके, ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी फाउंडेशन टिकता नहीं है. इनफैक्ट मैंने मैक, एस्टी लॉडर और हुडा में इन्वेस्ट ही इसीलिए किया सो दैट मैं मेकअप वेयर करके बीच पे जा सकूँ, बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन, आई हैव मार्क्स, आई हैव टू व्लॉग ऑल्सो, सो आई हैव टू लुक यू नो प्रेजेंटेबल एंड एवरीथिंग.
सो मुझे लगता है नाउ फ्रॉम दिस टाइम कफ्स एंड लैशेज के फाउंडेशन विल बी माई गो टू फाउंडेशन बिकॉज आई एम लविंग द यू नो फिनिश. आई एम जस्ट लविंग द टेक्स्चर. आई एम जस्ट लविंग द ब्लेंडिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द कवरेज इज बैंग ऑन. आई लव इट. मैंने कोई भी ज़्यादा बेस किया ही नहीं है. इनफैक्ट मैंने हाईलाइटर लगाया ही नहीं है. ना ही मैंने आपने देखा है बेस में इल्यूमिनेटर लगाया. यू हैव सीन द रियल टाइम कि मैंने इसे आपके सामने अप्लाई किया है. कोई इल्यूमिनेटर वगैरह यूज़ नहीं किया और कोई हाईलाइटर यूज़ नहीं किया है. और मुझे रिजल्ट में ये मिला है. वॉट यू थिंक? आई एम इन लव विद दीज. ओ माई गॉड, क्या बताऊँ मैं इनके बारे में. आई एम इम्प्रेस्ड. वेरी वेरी गुड जॉब कफ्स एंड लैशेज. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. और जो एडिशन किया है बैलेंस करने का फाउंडेशंस को, द आइडिया इज अमेजिंग. क्योंकि कई बार हो जाता है आप मेरी वीडियो देख के, स्वॉचेस देख के आप रॉन्ग शेड ले लेते हो. तो उसको बैलेंस करने के लिए द कलर वाला फाउंडेशन, सो दैट यू कैन बैलेंस इट एंड मेक योर ओन फाउंडेशन कलर. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दीज कफ्स एंड लैशेज कवर कैप्स्यूल हाइड्रेटिंग फाउंडेशन बिकॉज द फिनिश इज वेरी वेरी नेचुरल. सेकेंड स्किन टाइप ऑफ फिनिश आपको देता है. बिल्कुल भी केकी या क्रैक नहीं होता है. बिल्कुल कंफर्टेबल है एंड इट इज लुकिंग वेरी नेचुरल ऑल्सो. अगर आपको ये ड्यूइनेस अच्छा लग रहा है तो आपको इसके लिए कोई अलग से इल्यूमिनेटर और हाईलाइटर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो व्हाट आई लव अबाउट दिस फाउंडेशन, सबसे पहले इसका प्राइस पॉइंट एंड द क्वांटिटी. सेकेंड इसकी पैकेजिंग. ऑल्सो आई लाइक द टेक्स्चर ऑफ दिस फाउंडेशन. सुपर ब्लेंडेबल, वेरी वेरी स्मूथ. द फिनिश ऑफ दिस फाउंडेशन इज वेरी अमेजिंग. नेचुरल फिनिश देता है. सुपर डुपर कंफर्टेबल है. ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग है. व्यू प्रोडक्ट्स पे टैप करके यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट. कफ्स एंड लैशेज के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है पर्पल ऐप पे.